कौन सी अंदर एग्जाम रूम में जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है, नोट्स वाली जाएंगी कि विदाउट नोट्स वाली जाएंगी, खरीदने का सही तरीका, मतलब कि जितना भी बेयर एट की पूरी जानकारी है दोस्तों आपको इस सब पूरी इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस बेयर एक्ट का है। आप क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये बेयर एक्ट का है, आईपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस एक्ट से, मोटर व्हीकल एक्ट से, किस बेयर एक्ट से है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में एआईबी 18 एग्जाम जो देने जाने वाले हैं उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है बेयर एक्ट को लेकर के, कि कौन सी बेयर एक्ट लेकर के जाएं, कैसी बेयर एक्ट खरीदें और कौन सी लेके जाएं, बेयर एक्ट कौन सी अंदर एग्जाम रूम में जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है, नोट्स वाली जाएंगी कि विदाउट नोट्स वाली जाएंगी, प्रिंट करा लिए हैं वो लेके जा सकते हैं नहीं, हमारे बेयर एक्ट में लग गया है, पेन से खींचा हुआ है वो जाएगी या नहीं जाएगी, बेयर एक्ट खरीदने का सही तरीका, मतलब कि जितना भी बेयर एक्ट की पूरी जानकारी है दोस्तों आपको इस सब पूरी इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बशर्ते क्या है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते नहीं, वही बात मैं वीडियो में बता देता हूं और दोबारा फिर से आप लोग वही चीज़ दोस्तों पूछ लेते हैं कि सर जी हम इसमें कैसे होगा, आप वही वीडियो में बता के रखते हैं, वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ ना फालतू की बात बताता हूँ, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, उसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, आपका ही लाभ होगा। तो दोस्तों बेयर एक्ट की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एआईबी एग्जाम की जितनी पूरी जानकारी मेरे चैनल में आपको मिलेगी किसी के चैनल में नहीं मिलेगी दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ बेयर एक्ट की पूरी जानकारी, गौर से सुनिएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम की पूरी जानकारी आपको दूंगा यहां से लगा करके पेपर का, एआईबी पिछले जो पेपर आए हैं उनके क्वेश्चन आंसर सब पूरा आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसमें मिलेंगे दोस्तों। मैं पार्टे दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालूंगा, आप लोग को सिर्फ देखना है और एग्जाम पास करने की पूरी ट्रिक सब आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले बेयर एक्ट जान लेते हैं, जिसके लिए आज वीडियो बना रहे हैं कि आपको किस प्रकार के बेयर एक्ट लेके जाना है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन जो आते हैं वो हमेशा यही आता है कि विदाउट नोट बेयर एक्ट लेके आप जा सकते हैं, पर दोस्तों आप कोई भी बेयर एक्ट खरीदें अगर आपको विदाउट नोट नहीं मिल रही है तो आप ये मत सोचिए कि हम नहीं ले जा पाएंगे, आप कोई भी नोट खरीद लीजिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के बेयर एक्ट का आप खरीद लीजिए, खरीद करके उसका रिवीजन करिए, सही से पढ़िए। जहां रही बात एग्जाम रूम के अंदर जाने वाली दोस्तों, तो वहां पे कोई मना नहीं करता है कि आप कौन सी बेयर एक्ट लेके जा रहे हैं, कौन सी नहीं लेके जा रहे हैं, वहां आपकी कोई छानबीन जांच भी नहीं करता, अरे वकीलों का एग्जाम है, आम पब्लिक का एग्जाम नहीं है, वहां पे दोस्तों कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। बहुत रेयर केस में कोई एक अगर हो गया, नहीं मालूम कैसे मनमुटाव हुआ, कैसे होता कैसे नहीं होता, कभी कभी क्या होता छप के भी नहीं आ पाते हैं, तो लोग यही नोट्स वाले लेके जाएंगे, विदाउट नोट्स कहाँ मिलेगी। तो ऐसा कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है दोस्तों, आपको जो बेयर एक्ट मिल जाए वो बेयर एक्ट आप खरीद लीजिए, अगर उसमें पेन से चला है तो भी मत घबराइए, या कुछ उसमें कभी आपको इधर उधर की दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे कोई बात नहीं है, आपको बेयर एक्ट खरीदना है, बेयर एक्ट जो भी मिल जाए उस दोस्तों वैसे बेयर एक्ट आपको खरीद लेना है और उनको पढ़ाई करना है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, भारतीय संविधान, ये जितने हैं दोस्तों आप लोगों को सही से रिविजन करिए, उनको देखते रहिए कौन क्वेश्चन कहाँ है, कौन क्वेश्चन कहाँ नहीं है। अगर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे दोस्तों, अगर हल्का हल्का टाइम भी देते रहेंगे तो भी टाइम है पास हो जाएंगे, फेल जल्दी कोई नहीं होता है। हाँ बिल्कुल से आप गड़बड़ी मत करिए कि किताब छूने बंद कर दीजिए, आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे तो भाई अगर पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा, बिना पढ़ाई के एग्जाम नहीं। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को झूठा बोल दूँ कि आप लोग भैया पढ़े या ना पढ़े वहाँ जाके नकल करके पास हो जाएंगे, अरे उसके लिए भी तो चाहिए ना कि क्वेश्चन कहाँ पे है। बेयर एक्ट जो हम खरीद रहे हैं 2022 का बेयर एक्ट जो हम खरीद रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कहाँ पे है, तब तो हम उसको वहाँ पे जा करके सही के टिक मार पाएंगे, गोला मारेंगे ना वो मार्कशीट में। अगर जो हमको यही नहीं, 100 क्वेश्चन आएंगे अगर हमको यही नहीं पता कि किस में कहाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि किस बेयर एक्ट से है। तो इसके अगले वाले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस बेयर एक्ट का है, आप क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये बेयर एक्ट का है, आईपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस एक्ट से, मोटर व्हीकल एक्ट से, किस
वेयर ऐप से है दोस्तों, ये आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा जो इसके आगे वीडियो आएगी कि हाँ आपको क्वेश्चन देखते ही बस तत्काल खोलेंगे उसे कि हाँ यहाँ पे है और आपको उसमें वो मार्कशीट में बगल बना देना है। अगर दोस्तों आप पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करेंगे, देखिए गर्मी इतना ज़्यादा है सब कुछ बंद करना पड़ता है दोस्तों, मगर फिर भी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कमेंट आए हुए हैं, सर जी बताइए ना कौन सी वेयर ऐप लेके जा सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुत सारे लड़कों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।